नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और ये अगर एक विशेष तरीके से किसी को दिख जाता है तो लोग कहते हैं उसकी किस्मत बदल जाती है। पर कभी आपने सोचा है कि ठीक है, पक्षी है, उल्लू है, लेकिन ऐसा है कौन जिसके सिर पर माँ लक्ष्मी सवारी करती हुई आती है? देखिए, आपको यहाँ मैं आपको ऐसी पहचान करा रही हूँ, ध्यान दें जरा कि उल्लू कहते किसे हैं। मोस्टली आपने देखा होगा जब भी कोई आदमी मूर्खता करता है तो लोग उसे कहते हैं उल्लू है क्या, और कोई जानते समझते हुए अगर पैसे का नुकसान कर रहा है तो यही माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ज़्यादातर माँ लक्ष्मी ऐसे ही लोगों की सिर पर सवार होकर सवारी करती हुई एक घर से दूसरे घर में भ्रमण करती रहती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को एक वरदान है कि वो चंचला हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती, और जब भी उन्हें किसी घर से निकलना होता है तो वो घर के किसी एक सदस्य का सिर पर बैठेंगी, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगी और उसकी सवारी करती हुई घर से निकल जाएंगी। अब यहाँ देखने वाली बात है कि ज़्यादातर ऐसा सदस्य कौन सा होता है जिस पर माँ लक्ष्मी सवारी करती हैं, पहचानिए जरा। देखिए, जो पैसे की कदर नहीं करता, अंधाधुंध पैसा खर्च करेगा, ऊटपटांग गलत हरकतों गलत आदतों का शिकार होगा, जैसे शराबी है, जुआरी है, और कभी कभी तो किसी घर में इतने सड़ियल बेवकूफ़ होते हैं, ये सभी माँ लक्ष्मी के वाहन हैं। पर माँ लक्ष्मी इन सब के सिर पे सवारी करती हुई किसी घर से निकलना हो तो निकल जाती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि लक्ष्मी के भी दो रूप हैं, एक शुभ एक अशुभ। देखिए, अशुभ लक्ष्मी वो है जब आप किसी को धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, डकैती मारी, इस तरह से गलत ढंग से जो भी पैसा घर में आता है ये सब अशुभ लक्ष्मी है। पर ये अशुभ लक्ष्मी अपने साथ बहुत सारी गंदगी लेकर आती है। इसमें इंसान खुश तो होता है पर इसके बाद वो ना जाने कितनी बीमारियों, कितनी तकलीफ़ों का शिकार हो जाता है, औलाद की तरफ से परेशानियाँ और इस तरह से ना जाने क्या क्या जो अशुभ लक्ष्मी के उपहार मिलते हैं वो ये हैं। लेकिन शुभ लक्ष्मी जो है ये अपनी मेहनत से बनाया हुआ वो पैसा है, जो अपने हक हलाल की कमाई जिसे कहते हैं, ये अपने साथ शांति लाएगा, प्रेम लाएगा, घर में बरकत लाएगा, सद्गुण लाएगा। और अगर कोई आप लोगों को कभी भी, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी आप माँ लक्ष्मी का आह्वान करें तो हमेशा आप माँ लक्ष्मी से शुभ लक्ष्मी का आह्वान करें, और इसके साथ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। धन्यवाद।